नमस्कार दोस्तों, मिड फरवरी चल रहा है और गर्मियों की सब्ज़ी लगाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय ना बहुत ठंड है कि अभी जर्मिनेट नहीं होंगी, तो जर्मिनेशन रेट इस समय जो हल्की हल्की सी ठंड और गर्मी सी जो रहती है, दिन में धूप रहती है, उसमें सबसे अच्छी होती है इस टाइम पे। तो ये जो एक क्रैट है मेरे पास, इसमें ये जो मिट्टी है बहुत भुरभुरी मिट्टी है, इसमें मैंने गाजर बोई थी। तो ये वही पुरानी मिट्टी है, इसमें मैं गोबर की खाद मिक्स करके दूसरी सब्जी लगाऊंगी। मैं इसमें भिंडी लगाऊंगी। इस क्रैट की गहराई उतनी है कि जो भिंडी के लिए NF है। तो इसमें मैंने जो गोबर की खाद ली है वो 50% ली है, यानी कि जितनी मिट्टी है उसका आधा मैंने इसमें खाद ले ली है। और अब इसको मैंने ये बराबर कर लेती हूँ, इसको अच्छे से मैं जो खाद है उसको मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको क्रेट से बाहर नहीं निकाला है, फिर ये सारे गत्ते भी हट जाएंगे, फिर दोबारा से इनको सेट करना होगा। तो अभी ये चारों तरफ से सेट है। ये देखिए बहुत अच्छी मेरी खाद है, एकदम शुद्ध गोबर की खाद ये है, बहुत अच्छी जो फाइन खाद होती है, गोबर को डायरेक्ट जो गला के बनाई जाती है गड्ढे में डाल के। तो ये पूरे इस तरफ भी थोड़ी सी और खाद इस साइड डाल दूँगी, इधर कम हो गया, कम है थोड़ा सा, पूरे में मैं इक्वल खाद जो है वो मिक्स करके इसको, और फिर उसके बाद इसमें भिंडी के बीज लगाऊंगी। भिंडी इस समय बोई जा सकती है, बहुत अच्छी अच्छा समय है उसके लिए। इसके अलावा कुछ और पौधे भी मैंने बना रखे हैं, जैसे लौकी, तुरई, करेला और जो है चेरी टमाटर की पौध भी गर्मियों के लिए, और मैंने कई पौध बैंगन के भी पौध बना रखे हैं। अभी वो इसके फरवरी के लास्ट तक वो तैयार हो जाएंगी। तो भिंडी को मैं डायरेक्ट पौध ना बना करके इसमें डायरेक्ट लगा रही हूँ। कई बार जब हम पौधा पौधा बना के लगाते हैं अलग से, तो उनमें से कुछ पौधे मर भी जाते हैं, तो इसके इसमें वो चांसेस नहीं रहते। और डायरेक्ट जब हम लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ वो दूसरे से ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अब इसमें मैंने ये देखिए पूरा मिक्स कर दिया है, और अब इसको मैं पूरा इक्वल फैला के इसको जो है भिंडी के बीज इसमें डाल दूँगी। भिंडी जो होती है वो 1.5 महीने के अंदर अगर सही से उसकी ग्रोथ हो जाती है और हम न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हैं, तो 1.5 महीने यानी 45 दिन में भिंडी में जो है वो फल आना शुरू हो जाता है। भिंडी का जो फूल होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर सा उसमें येलो कलर का फूल आता है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर फूल आया है तो उसके नीचे भिंडी बनेगी ही बनेगी, किसी प्रकार के पॉलिनेटर्स की इसको ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी गहराई इतनी है कि इसमें भिंडी के लिए जो है एनफ रहेगी, सफिशियंट इसकी क्रेट की गहराई है। इसके बाद जब भिंडी के पौधे थोड़े और बड़े होंगे, उनको सपोर्ट देने के लिए मैं इसमें और मिट्टी डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें भिंडी के बीज डाल रही हूँ। इसमें मैं एक दूसरे भिंडी का जो पौधा रहेगा, एक उन दोनों के बीच में कम से कम 6-7 इंच का एक डिफरेंस ज़रूर रखूँगी। थोड़ा दूर दूर रहने ज़रूरी है, थोड़े अंदर की साइड को इनमें डालूँगी, बहुत ज़्यादा गहरे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं 6 भिंडी के बीज इसमें डालूंगी। ये हाइब्रिड भिंडी के बीज हैं, इनकी जर्मिनेशन रेट बहुत हाई है, पहले भी मैं इनको लगा चुकी हूँ। ये मैंने इसमें भिंडी के बीज डाल दिए। ऑर्गेनिक भिंडी जो हम अपने घर पे अगर उगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी खुली जगह हमारे पास है तो हमें ज़रूर ऐसी चीज़ें उगानी चाहिए, क्योंकि भिंडी में बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, हाथ का सपोर्ट देके पानी डालूंगी, जिससे कि भिंडी के जो बीज हैं वो बाहर ना आए। एक बार चेक कर लूँगी, अगर बीज बाहर आ गया तो उसको अंदर डाल दूँगी, और इतना सफिशिएंट पानी इसमें डालूँगी पर्याप्त मात्रा में कि वो भिंडी के बीज जो अच्छे से उसमें गीले हो जाएं, और गीले रहो करके वो जर्मिनेट हो जाएं। ये हो गया, देखिए ये मेरे भिंडी के बीज लग गए हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ये पौधे जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। मैं इसकी अपडेट आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप भी कोशिश कीजिए कि जहर मुक्त, पेस्टिसाइड्स मुक्त भिंडी या सब्जियां अपने घर में उगाएं।